ईडी दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 घंटे तक हुई पूछताछ। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश वीर सपूतों को कर रहा है नमन। देश भर में कारगिल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति, पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने शहीदों को किया नमन। कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया नमन। शहीद परिवारों को भी किया शहीद के परिवारों को भी किया सम्मानित। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएम ने खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए मंत्री और अधिकारियों का आज होगा टेस्ट। सीएम ने कल सचिवालय में की थी 2 बैठक। आज धूमधाम से मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि। शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं कांवड़िए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नासिक पुलिस द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसमें मंगलवार से लेकर 14 अगस्त तक 75 किलोमीटर दौड़ पूरी करने का संकल्प लिया गया है। वहीं पहले चरण की 10 किलोमीटर दौड़ का शुभारंभ विभागीय आयुक्त राधा कृष्ण गमे, पुलिस कमिश्नर जयंत नाइक नवरे और पुलिस अकेडमी के राजेश कुमार के हाथों हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौड़ में पुलिस बल के अधिकारी, कर्मचारी और शहर के खिलाड़ियों समेत स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। बता दें कि ये दौड़ पुलिस कमिश्नर दफ्तर से निकलकर अशोक स्तंभ, पंचवटी, तपोवन के से होकर संत जनार्दन स्वामी के मठ में पहुंची और जहां इसका समापन हुआ। हे आपले अमृत महोत्सव आहे देशाचा 15 ऑगस्टला, तर त्याचा रनअप म्हणून आपण पोलीस आयुक्तालयातर्फे 75 वर्ष आपल्याला पूर्ण होतात स्वातंत्र्याला, तर 75 किलोमीटर सर्वांनी या 20-22 दिवसामध्ये चालणे, धावणे, जे काही त्यांना व्यायाम करता येईल अशा रीतीने करायचं असा आपला संकल्प आहे। त्यामुळे त्याचा आज सुरुवात केली। हे आपले अमृत महोत्सव। और महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के प्रताप राव जाधव को फिर से शिवसेना का सह संपर्क प्रमुख बनाया गया है। ये फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से लिया गया। आपको बता दें कि प्रताप राव जाधव को कार्यालय वाहक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। वहीं इस मौके पर शिवसेना विधायक डॉक्टर संजय रायमुलकर और संजय गायकवाड़ भी नई भाजपा सेना में शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 12 सांसदों ने शिंदे के समर्थन के साथ एनडीए का समर्थन भी किया। इसी के साथ ही शिंदे समर्थकों ने कहा कि हमने शिवसेना को नहीं छोड़ा है, हम शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि मौके पर लोकसभा के समूह नेता डॉक्टर राहुल शेवाले, सांसद हेमंत पाटिल, सांसद धैर्यशील माने, सांसद सदाशिव लोखंडे भी मौजूद रहे। और महाराष्ट्र में मची उथल पुथल अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना के जिला प्रमुख और गोंदिया जिले के सह संपर्क प्रमुख को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। दरअसल जिला प्रमुख और सह संपर्क प्रमुख ने अपना समर्थन शिंदे समूह को देने की घोषणा कर दी थी, इसके बाद ये फैसला लिया गया। वही गोंदिया भंडारा संपर्क प्रमुख नीलेश धूमाल ने आम गाँव के इसका जायजा लिया और वहीं मौके पर संपर्क प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले के सभी पदाधिकारी उद्धव ठाकरे के साथ। जिनको छोटे से बड़ा किए दोस्तों, जो काम किया है कोई माई का लाल कर नहीं सकता, और उस काम को बढ़ाने का काम पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे कर रहे हैं। इन सभी काम को बढ़ाने के लिए जो आदमी सहयोग करेगा
वो भी अपने माता पिता का मर्द का बच्चा होगा। जिस काम को दोस्तों आपको हमको अपने पक्ष अपने घर मोहल्ले परिवार में एक सही परिवार की रक्षा करना भी मर्द का बच्चा अपनी माँ का पिता का सबके परिवार को लेकर चलने वाला भी बेटा एक वो होता है अपने माता पिता को लेकर चलना अपने बस्ती को लेकर चलना अपने गांव को लेकर चलना। दोस्तों हम लोग सभी शिवसेना के पदाधिकारी बैठे आप अपने आप में ऐसा महसूस मत करना कि हम में से कुछ सबको छोड़ के चले गए। हमारे साथ तुम्हारे साथ में हमारी पूरी आमगांव तालुका की टीम अन्य हमारे जिले की टीम बैठी है। आपके ऊपर कोई भी अन्य अत्याचार होता है हम तुमको मालूम है कि हम आधी रात को आपके साथ में दौड़ने वाले लोग हैं और दौड़ते आएंगे। अपने आप को अकेला मत समझना। इसके बाद में भी आमगांव तालुका की शिवसेना हम जबरदस्त इतने विशाल तौर पर पहुंचा के दिखा देंगे जिसकी हद नहीं। ये चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारी बारिश की वजह से कई जिले में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। तार टूटने बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होने की वजह से जहां समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई बिजली कर्मी जान जोखिम में डालकर लोगों के घरों का अंधेरा दूर करने में जुटे हुए हैं। इन दिनों जिले में इगतपुरी बिजलीकर्मी अमोल जगले की चर्चा हर तरफ की जा रही है जो मुकने बांध क्षेत्र में बाढ़ के पानी को पार कर बिजली समस्या को ठीक करने में लगे हैं। इससे पहले दारणा नदी के किनारे ऐसे ही काम करते प्रवीण सिंघवे का भी नाम आया था जिन्होंने जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई ठीक की थी। अब इन दोनों कर्मठ कर्मचारियों को कोंकण क्षेत्रीय संभाग के संयुक्त प्रबंध निदेशक चंद्रकांत डांगे के हाथों उन्हें सम्मानित किया गया है। और वहीं अहमदनगर जिले के शेरगांव तहसील के पूर्वी हिस्से में बाल मटाकली से कांबी तक सड़क को मंजूरी दे दी गई है लेकिन इस सड़क का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस सड़क की बार बार अनदेखी की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि इस सड़क को जल्द से जल्द डामरीकरण इसका किया जाए। वहीं सड़क का काम पूरा न होने के चलते छात्रों को कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है जिस सड़क से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विजय लेनडाल और कांबी के ग्रामीणों द्वारा ईमेल से बयान भेजकर सड़क को डामरीकरण करने की मांग की गई है। तो हालात ये सड़क के हो गए हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों से कई बार इसकी शिकायत की गई है। अब आप सोचिए यहाँ पर किस तरीके से बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो कितनी उन्हें परेशानी होती होगी। ड्रेस उनकी पहले ही ख़राब हो जाती होगी और हौसले जो पढ़ाई को लेकर वो स्कूल जाते हैं यहीं पर पस्त कई बार हो जाते हैं। और यही वजह है कि ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों से तो लगातार हमने शिकायत की लेकिन सभी के सभी अनदेखी इससे करते हैं। डामरीकरण की मांग की जा रही यानी कि पक्की सड़क की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। तो एक दिन की ये समस्या नहीं है बल्कि हर दिन की ये समस्या है। और अहमदनगर से रवि पाटिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, हम तस्वीर देख रहे हैं, हालात तो बेहद खराब हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों की लगातार मांग की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से कि इसका डामरीकरण किया जाए, जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी ने सुध ली है कोई, कुछ बयान किसी की तरफ से सामने आया हो? जी देखिए दीपिका जी, अहमदनगर जिले के शेरगांव तहसील से पूर्वी हिस्से में बालमटाकली से कांबे की ओर जाने वाला यह मार्ग है जिसकी लंबाई करीबन 9 किलोमीटर की है। कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि यहाँ पर एक अच्छी पक्की सड़क बने हैं और किसानों समेत यातायात की सभी इस रास्ते मार्ग से यात्री जो है उनकी सुविधा हो जाए। लेकिन जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन हो, उनकी अनदेखी की वजह से हर साल बारिश में यहाँ के लोगों को घुटनों तक पानी में से गुजरना होता है। अभी समस्या कब से बनी हुई है, कब से ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं? जब से यहाँ के लोगों को पहली बार कच्ची सड़क मिली थी उसके बाद समय हो गया होगा अभी कुल मिलाकर के कम से कम 10 या 15 साल की ये बात होगी कि यहाँ के लोग
लगातार मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि यहाँ पर पक्की सड़क बनाई जाए और उनकी दिक्कतें कम हो। गांव वालों ने मिलकर एक ईमेल भी राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में भेजा है और नई सरकार की ओर भी लोगों ने गुहार लगाई है कि अब यहाँ पर पक्की सड़क हो और लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिस तरह से मौसम विभाग महाराष्ट्र में बारिश बढ़ने के अनुमान लगा रहा है तो क्या एक दिन यहाँ की यातायात बंद तो नहीं हो जाएगी, इस बात को लेकर ग्रामीणों में बड़ी चिंता है। दीपिका जी ठीक है रवि, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो 10 से 15 साल हो गए हैं लेकिन हालात ऐसे ही जस की तस बने हुए हैं। रवि आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। अकोला के न्यू किराना मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह व्यापारी अपनी दुकानें खोलने आए तो 6 दुकान मालिकों ने देखा कि उनके शटर टूटे हुए हैं, जिसकी सूचना तुरंत जूना शहर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस सभी आला अधिकारी के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अकोला में लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद पुलिस कर्मचारी के घर दिन दहाड़े डकैती हुई। अब न्यू किराना मार्केट में 6 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है, जिससे ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। इकबाल किस तरीके से चोरों का बुलंद हो गया है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, चोरों के सामने पुलिस महकमा कमजोर नजर आ रहा है। तो 6 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि लगातार चेन स्नैचिंग हो रही है और इतना ही नहीं, जानकारी यह भी है कि एक पुलिसकर्मी के घर पर भी चोरी की घटना हुई थी बीते दिनों। से हम लोग अभी दुकान पर जैसे आए तो हम लोगों ने आते बराबर देखा कि भी हमारे दुकान के शटर है वो नीचे से खुले हुए हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी है, 4-4 सिक्योरिटी है नाइट के अंदर, और कितनी दुकानें अभी यहाँ मार्केट में और ऐसे हादसा हुआ है ये भी पता नहीं लग सका है। लेकिन हम 6 लोगों की दुकानें हैं, जैसे कि मेरे बाजू में ये खड़े हैं राठी ट्रेडिंग वाले सेट, अतिक भाई ए बी ट्रेडर्स वाले खड़े हुए हैं और भी अभी उस साइड में दुकानें हैं। टोटल 6 दुकानों का यहाँ पे शटर खुले हैं रात में। आज अकोला के नामन्ना मार्केट में दुकानें खोलने आए उस वक्त में के शटर यहाँ पर टूटे हुए यानी खुले हुए नजर आए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क साधा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के कुछ एक कर्मचारी यहाँ पर आए और इसकी तफ्तीश अभी फिलहाल कर रहे हैं। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें जानकारी के हिसाब से सीसीटीवी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का चोरों का मकसद यहाँ से कैश को चुराना था, लेकिन क्या इसमें गया है, क्या चोरी हुई है, ये तो पुलिस तफ्तीश में ही मालूम हो पाएगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस चौकी होने के बावजूद अगर इस तरह की घटना होती है तो ये गंभीर विषय है। साथ ही साथ अकोला में आपको बता दें कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ी हुई है और दिन दहाड़े पुलिस कर्मचारी के घर डकैती होती है और बदमाश फरार होते हैं और अब तक उनका भी कोई सुराग नहीं मिलता और उसके बाद ये घटनाएं हुई होती है। मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है और पुलिस कमजोर नजर आ रही है। नेटवर्क 10 के लिए मैं शायद इकबाल अकोला से। और अकोला के रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती अमरावती सूरत एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे एक व्यक्ति आ गया। दरअसल युवक चलती ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में अनियंत्रित होकर रेलवे पटरी के अंदर गिर गया, बैलेंस बिगड़ा और पटरी के नीचे गिर गया। हालांकि वहीं ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के पीएसआई दिलीप वानखेड़े और उनके दल ने यात्री की जान बचाई और युवक को बाहर निकाला। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, तस्वीर आपके सामने है। ऐसी घटना हमेशा होती रहती है, इसलिए हमने हर ट्रेन पे पुलिस की गश्त लगाई हुई है। यात्रियों की सुरक्षा और उनकी देखभाल करना यही जिम्मेदारी है पुलिस की, तो इसीलिए हमेशा पुलिस अवेलेबल रहती है हर प्लेटफॉर्म पे, हर ट्रेन के बाद। और वही नांदेड़ जिले की किनवट तहसील में इस्लापुर स्थित सहस्त्रकुंड लगातार बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते झरने को देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नियमों का उल्लंघन करके पर्यटक झरने पर जाकर सेल्फी ले रहे हैं, जिससे कि लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कहा गया है। पहले भी कई लोगों की झरने पर सेल्फी लेने के चलते जान भी गई है और जिसके चलते ये सवाल उठाया जा रहा है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। झरने पर जगह जगह पर्यटक किनारे जाकर सेल्फी ले रहे हैं।
और वहीं रेनापुर तालुका में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। वहीं किसान रेनापुर के तहसील कार्यालय में क्षतिग्रस्त खराब फसलों का निरीक्षण कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने नुकसान की रिपोर्ट की अब मांग की थी, जिस पर किसानों ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग ने उनके आदेश की अनदेखी की है, जिसको लेकर किसानों ने आंदोलन किया। एसएमटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह लोकल ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसके चलते हार्बर लाइन पर कुछ ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ शिवजी सुतार ने बताया है कि दुर्घटना में कोई हताहत इस घटना में नहीं हुआ है और साथ ही साथ कहा है कि कोच को फिर से पटरी पर लाने का काम चल रहा है और मेन लाइन सेवाएँ सामान्य चल रही हैं। और वही कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की ओर से पूछताछ करने के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध की आग दिल्ली से अब महाराष्ट्र के अमरावती तक पहुंच गई। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद और प्रदीप देशमुख के नेतृत्व में जूना बस स्टैंड पर विशाल धरना दिया गया। धरने में अंजन गाँव सुरजी तालुका और शहर कांग्रेस अध्यक्ष समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और पूर्व पार्षद मौजूद रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप देशमुख ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को केंद्र सरकार के इशारे पर परेशान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर यह दुरुपयोग बंद नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में कांग्रेस द्वारा यहां पे आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय में। क्या कहना चाहेंगे आप, आज आपका आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी नेता, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी गांधी, इनको एक ईडी के माध्यम से हरास किया जा रहा है। कौन सा नेशनल हेराल्ड है, क्या है, कब की संस्था है, कब का पैसा है, जो भी व्यवहार होगा सिर्फ इसके लिए कि कुछ तो भी टॉर्चर करके विरोधी को टॉर्चर करके नेस्तनाबूत करने का एक षड्यंत्र केंद्र सरकार के माध्यम से नियोजित हो रहा है। ये कुछ तो भी ऐसा ही षड्यंत्र है कि इससे ना कोई विरोधक रहे, ना कोई विरोधी आवाज़ उठाए। इसको दबाने के लिए हमारे नेशनल अध्यक्ष जो सोनिया जी गांधी है, या तो और कोई नेता है, हर एक विरोधी पार्टी का जो भी नेता होगा, उसको दबाने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा हो रही है। उसका हम अभी 4 दिन पहले उनको चौकसी के लिए बुलाया था, उस दिन हमने जिला लेवल पर आंदोलन किया विभागीय लेवल पर, उसके बाद में आज भी उनको बुलाया गया। आज हमने हमारे तालुका की तरफ से, अंजनगांव तालुका की सर्व ग्रामीण शहर सभी की तरफ से आज का ये आंदोलन जारी किया। हमारा शांततापूर्ण आंदोलन है, ये एक प्रकार का निषेध है कि हमारे नेता को टॉर्चर ना किया जाए। जो सच्चाई का आवाज़ उठाता है उसको दबाने के लिए इन्होंने आज जो ईडी का सहारा लिया है, उसका हम निषेध करते हैं अंजनगांव शहर कांग्रेस व ग्रामीण कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस का आरोप है कि ईडी का केंद्र सरकार द्वारा गैर उपयोग किया जा रहा है। नेटवर्क 10 जावेद शाह अमरावती। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।